Hey guys, this is Sonu Alawat और आज इस वीडियो में बात करेंगे CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 12th पास कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। काफी सारे लोगों की हमेशा से डिमांड भी रही है कि भैया इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाइए, हमें डिटेल से समझाइए कि हम जस्ट आफ्टर 12th CAPF कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि कैसे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर 12th। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, कौन सी फोर्स के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज कब कब निकलती है वो आपको बताऊंगा। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न वगैरह, सैलरी वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स भी बोल देते हैं, जहां पर CAPF का जिक्र आता है वहां पर हमारी 5 फोर्सेज का नाम हमेशा आता है, जिसमें एक होती है हमारी CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB। और आजकल जितनी भी अपॉर्चुनिटीज CAPF के अंदर निकलती है उतनी ही सेम अपॉर्चुनिटीज दिल्ली पुलिस के अंदर भी निकलनी स्टार्ट हो गई, इसलिए मैं CAPF के साथ दिल्ली पुलिस की अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। तो टोटल हमारे पास यहां पर 6 फोर्सेस हो गई एक तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप CAPF को आफ्टर 12th एक बेस्ट पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। इतना तो आप जानते होंगे CAPF को ज्वाइन करने का एक तरीका SSC कांस्टेबल GD की वैकेंसी भी होती है, जहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा जाता है, जिसके बाद आप CAPF के अंदर कांस्टेबल GD की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जहां पर आपका ग्रेड पे थोड़ा कम होता है, सैलरी भी थोड़ी कम होती है। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस है आफ्टर 12th और एक बढ़िया एक हायर लेवल की पोस्ट के ऊपर, जहां पर सैलरी भी अच्छी हो और वर्कलोड भी इतना ना हो और ग्रेड पे भी जबरदस्त लेवल का हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB including दिल्ली पुलिस, इन सभी फोर्सेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी निकलती है जो कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के नाम से निकलती है। साथ ही एक और हमारी पोस्ट होती है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की पोस्ट के नाम से निकलती है। इन दोनों पोस्ट के ऊपर आप आफ्टर 12th फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हर साल किसी ना किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी गारंटेडली निकलती ही निकलती है। मैं आपको 2016 से डेटा देता हूं फ्रेंड्स। CRPF के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर 2016 में वैकेंसी निकलती थी, 2017 में CRPF ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, 2018 में ITBP हेड कांस्टेबल ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, 2019 में हमारी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, 2020 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, 2021 में SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, और अब फाइनली 2022 में ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल चुकी है। साथ ही फिलहाल BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप CAPF ज्वाइन करना चाहते हो जस्ट आफ्टर 12th, तो हर साल आपके पास चांस होता है, हर साल ये वैकेंसी किसी ना किसी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर निकली हुई होती है। और सबसे बढ़िया बात यह कि फिलहाल एक पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर ये पोस्ट निकली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो हमारी 6 सितंबर है। अगर आपने 12th पास किया तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और 18 से 25 साल एज लिमिट होती है। क्लियर है, समझ गए? और नेक्स्ट ईयर भी मैं तो कहता हूं 2023 से पहले आपको एक और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि हमारी CRPF। CRPF के अंदर 1100 से 1200 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ जाएगी। मैं तो यह कहता हूं कि दिसंबर 2022 तक वैकेंसी आ जाएगी। और हाल ही में BSF की तरफ से भी एक इंटरनली अपडेट निकला है कि BSF हर साल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाला करेगा। तो आगे काफी ब्राइट है, ठीक है। और अभी 2022 में ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। दिल्ली पुलिस भी हर 2 साल में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकालेगा। तो चलिए एक बार इसके डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। फिलहाल BSF के अंदर निकली हुई है, अप्लाई कर दीजिए, वेट मत करिए, जबरदस्त वैकेंसी है। पूरी डिटेल वीडियोस के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, बेस्ट बुक वगैरह सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, चाहे हमारी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, एज लिमिट जो होती है ना वो 18 से 25 साल ही होती है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, साथ ही OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है।
ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है। हर एक पैरामिलिट्री फोर्स या फिर हमारी दिल्ली पुलिस है, एज लिमिट सेम रहेगी। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलता है, ठीक है। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12 पास मांगा जाता है, चाहे हमारी कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है, 12 पास आपसे मांगा जाएगा। साथ ही हर एक CAPF के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर टाइपिंग आना आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे आपको हिंदी की टाइपिंग आती हो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आती हो। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है या फिर हिंदी की टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मानी जाती है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है। स्किल टेस्ट 3rd स्टेज में होता है, ठीक है, तो आपको टाइम मिल जाता है, आप टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप 2023 में CAPF के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी फोर्स के अंदर निकल रहा है, तो यार अभी से टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको अभी से खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट मस्ट है। और अगर किसी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर ASI की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें आपको स्टेनोग्राफी की जरूरत होती है, जहां पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखना आपको आना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश से। ये बहुत जरूरी है, ये कंपल्सरी होता है, क्लियर है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिमिलर रहेगा हर एक CAPF के अंदर, समझ गए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज जो होती है वो किसी फोर्स के अंदर रिटन एग्जाम हो जाता है, किसी फोर्स के अंदर फिजिकल हो जाता है। जैसे कि BSF एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर पहले एग्जाम ये लेंगे, CISF के अंदर पहले PST PET लेते हैं, SSB के अंदर भी शायद साले पहले फिजिकल होता है, ITBP के अंदर भी शायद पहले फिजिकल होता है, दिल्ली पुलिस के अंदर पहले एग्जाम होता है। तो इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। सेकंड स्टेज में किसी फोर्स के अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा, किसी में एग्जाम हो जाएगा। 3rd स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट कंपलसरी है हर एक फोर्स के अंदर। 4th स्टेज में फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, क्लियर है। अब एक बार फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम के बारे में आगे बात करेंगे, पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह कितना मांगा जाता है। हर एक फोर्स के अंदर, हर एक CAPF के अंदर जो हाइट है, चेस्ट है, वेट है, वो सेम मांगा जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मिनिस्टर की पोस्ट है, हाइट इसमें ज्यादा मैटर नहीं करती। कांस्टेबल GD की जो वैकेंसी होती है उसमें हाइट मैटर करती है, इसलिए जनरल वालों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगते हैं। हाइट आपकी जनरल ओबीसी SC वालों की यहां पर 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए मांगी जाती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 मांगी जाती है। ST कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, जहां पर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए होती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ST वालों के लिए 125 सेंटीमीटर होती है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट होती है जनरल ओबीसी SC कैटेगरी को 77 होती है मिनिमम, मैक्सिमम 72 सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपको 82 सेंटीमीटर होती है मैक्सिमम, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको फुलाव देना होता है अपनी चेस्ट में। बाकी जो अदर स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ST कैटेगरी होगी, या फिर जो डोगराज मराठा से बिलोंग करते हैं, या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, लद्दाख जैसी जगह से, उनको चेस्ट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। मिनिमम 76 होती है, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर होती है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो CRPF, BSF, SSB, ITBP, दिल्ली पुलिस सबके लिए सेम होता है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होता। अब एक चीज यहां पर नोट करने वाली है फ्रेंड्स, कुछ CAPF ऐसी हैं जिनके अंदर आपका फिजिकल में रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। कुछ CAPF हमारी ऐसी है जिसमें फिजिकल में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं होते, जैसे कि BSF, CISF, CRPF। ये 3 फोर्सेस ऐसी हैं जिसमें केवल फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, यानी कि हाइट मेजर कर लेंगे, वेट मेजर कर लेंगे, चेस्ट मेजर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, बाकी रनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, बस इतना ही PST होता है। ये 3 फोर्स ऐसी हैं, BSF, CISF, CRPF, ठीक है, इनमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन ITBP हमारा हो गया, शायद SSB हमारा हो गया, दिल्ली पुलिस हमारा हो गया, इनमें आपकी रनिंग भी होती है, लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है। रनिंग जैसे कि ITBP हो गया, इसमें 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी होती है, दिल्ली पुलिस में शायद 6.5 मिनट या फिर 7 मिनट कुछ ऐसा होगा, SSB में भी शायद 7 मिनट के आसपास आपको कवर करना होता है, लॉन्ग जंप यही 12 फीट, किसी में 12.5 फीट, हाई जंप 3 फीट या फिर 3.5 फीट, इस तरीके से होता है। ITBP, SSB, दिल्ली पुलिस में आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है, बाकी BSF, CISF, CRPF में आपका फिजिकल में रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होता, इतना डिफरेंस है।
तो इतना तो आप कर ही लोगे क्योंकि बहुत टफ फिजिकल आपका नहीं होता। अगर चेस्ट वेस्ट आपकी कम है तो पुशअप्स वगैरह लगाना शुरू कर दीजिए, लेवल पे आ जाएगी। इतनी ज्यादा नहीं मांगी गई है, 77 ही तो मांगी गई है जनरल वालों के लिए, कर लोगे तो भाई ये आपकी फर्स्ट स्टेज या फिर सेकेंड स्टेज हो सकती है। एग्जाम के बारे में बात करें, एग्जाम के लिए कौन कौन से सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, कौन कौन से सेक्शन के ऊपर आपको फोकस करना होता है। हर एक फोर्स के लिए रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से हर एक फोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के ऊपर पकड़ बनाइएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, इससे भी आपको हर एक फोर्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है कुछ फोर्सेस के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर क्लरिकल एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही बीएसएफ के अंदर क्लरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग का छोटा ही भाई होता है, बहुत ही इजी होता है, आसानी से कर लोगे, इसके ऊपर आपको अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एसएसबी जैसे एग्जाम में क्लरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आते। साथ ही एक और चीज होती है इसमें, हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट आपके ऑप्शन में होते हैं दिल्ली पुलिस को छोड़कर, ज्यादातर चाहे आपका आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, इनमें हिंदी और इंग्लिश होता है। हिंदी के चाहे आप 25 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये ऑप्शनल में होता है। तो कोई एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के चलिएगा। हिंदी के ऊपर अगर पकड़ है तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, इंग्लिश के ऊपर पकड़ है तो इंग्लिश के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। बाकी आजकल कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, जैसे कि दिल्ली पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बीएसएफ के अंदर कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे तो फोकस करना पड़ेगा, बाकी सीआईएसएफ में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते, सीआरपीएफ में आते हैं, बाकी एसएसबी में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते। एसएसबी में तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, और कुछ ऐसे हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस नहीं आता, जैसे कि एक हमारा हो गया सीआरपीएफ, जीके से शायद क्वेश्चन नहीं आता कोई भी, साथ ही बीएसएफ, जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, एसएसबी में जीके से क्वेश्चन आता है, आईटीबीपी में शायद आता होगा या फिर नहीं आता होगा, मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ये आपका है, यानी कि कुल मिला के 6 सेक्शन तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी या फिर इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया यानी कि कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है बहुत सिंपल, और जीके हो गया। इनके ऊपर फोकस करिए, मजा आ जाएगा, आप निकाल लोगे। साथ ही बात करें सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियली नेट सैलरी क्या मिलती है उसके ऊपर ध्यान दें। फ्रेंड्स, जो हमारी हेड कांस्टेबल और मरिस्टल की पोस्ट होती है ना, उसका जो ग्रेड पे होता है वो 2400 रुपए ग्रेड पे होता है, अच्छा खासा है। ग्रुप सी की पोस्ट हमारी होती है 2400 ग्रेड पे, होने के बाद आपको इनिशियली नेट सैलरी लगभग 36,000 मिलेगी हेड कांस्टेबल और मरिस्टल की पोस्ट के ऊपर, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। अगर आप एएसआई स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो, उस पोस्ट का हर एक फोर्स के अंदर ग्रेड पे होता है 2800 रुपए, आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलेगी लगभग 45 से 46,000 के आसपास, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सैलरी होती है। तो इसकी ये सैलरी होती है। सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, मतलब जॉब काम क्या करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीटली मिनिस्ट्रियल की एक जॉब है, क्लरिकल जॉब हम इसको कह सकते हैं। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी पेट्रोलिंग वगैरह आपको इसमें नहीं करनी पड़ती, तो इस वजह से भी इस वैकेंसी का एक प्लस पॉइंट है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, एग्जाम से रिलेटेड जो डिफरेंट फोर्सेस है, कुछ फोर्सेस में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन ज्यादातर नहीं होती। सीआरपीएफ का जो एग्जाम होता है हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई का, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। साथ ही जो आपका बीएसएफ का है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। और एक और खास बात है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनिस्टेल के एग्जाम को छोड़कर बाकी जितने भी फोर्सेज का एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। और इसके एग्जाम का एक और प्लस पॉइंट है, एग्जाम जो है ना वो काफी बेसिक लेवल का, काफी इजी लेवल का आता है, आप काफी अच्छे से काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, और साथ ही क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा होती है। जैसे कि बीएसएफ की फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन दी जा रही है 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट आपको दी जा रही है। ऐसे सीआईएसएफ का जो एग्जाम होगा उसमें भी शायद 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे हो सकते हैं, बहुत सीआरपीएफ में 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास आपको टाइम मिल जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है, आप आसानी से बिंदास 100 क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओ, टाइम की कमी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करते टाइम आपको मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपका ये डाउट है कि इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की डिमांड आप कर रहे हो,
तो कल ही मैंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, 24-25 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वाला जरूर देख लीजिएगा। हर एक सीएपीएफ हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई की पोस्ट को क्रैक करने के लिए काम आएगा। बेस्ट बुक ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं, आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाते हैं, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। और हाँ फ्रेंड्स जो इसका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, चाहे किसी फोर्स के लिए एग्जाम 200 मार्क्स का हो, किसी फोर्स के लिए 100 मार्क्स का हो, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। बाकी फिजिकल जो आपका है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिए जाते। स्किल टेस्ट आपका होता है, टाइपिंग टेस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट हो, उसके लिए भी कोई मार्क नहीं दिए जाते, वो भी केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर होता है, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एक बार और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेज में किसी फोर्स के लिए आपका फिजिकल हो सकता है, किसी फोर्स के लिए एग्जाम हो सकता है। सेकंड स्टेज में किसी फोर्स के लिए एग्जाम हो सकता है, फिर किसी फोर्स के लिए आपका फिजिकल हो सकता है। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई एक टाइपिंग करनी होती है। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। फोर्थ स्टेज में आपका होता है एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जस्ट आफ्टर 12th सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करने का। और हर साल किसी ना किसी फोर्स के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल ही जाती है। अगले साल भी आपको सीआरपीएफ और बीएसएफ के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी, साथ ही एसएसबी के अंदर भी 2023 के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। निश्चिंत रहिए, हर साल आपको जरूर देखने को मिलेगी किसी ना किसी फोर्स के अंदर। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर, बाकी सारी चीजें आपकी सेम होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेम होता है। तो फ्रेंड्स ये आई होप मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई ज्यादा ही डाउट फंस गया है। बाकी आना एक और चीज आपको याद दिला दूं, वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ्स की नंबर 1 करंट अफेयर बुक है, इसका लास्ट स्टॉक फिलहाल बचा हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं फटाफट करके दबा के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, एमटीएस कांस्टेबल जीडी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ बहुत सारे एग्जाम हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इस बुक को आप इन दोनों बुक के साथ कॉम्बो में अगर परचेज करते हो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, यह अपॉर्चुनिटी मिस मत कर दीजिएगा। यह वीडियो मैंने सही पॉइंट पे बना दी है, एक फोर्स के अंदर फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है, 6 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल अप्लाई कर दीजिए, बस वेट मत करिए, और एएसआई की भी वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।